देखो तो बिजनेस जीरो पे आ गया था और, भाई तरस गए थे ब्रांड डील के लिए हाँ मतलब कि और हम आपस में बात करते थे कि भाई क्या करें ऐसा क्या बनाएं जो ऑडियंस को हिट हो या मतलब YouTube भी रेकमेंड करे और आज तक मैं आपको बता रहा हूँ आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि हमारी वीडियो खुद से YouTube ने रेकमेंड करी है या फिर मतलब और भाई तुम्हारी रिकमेंडेशन में नहीं आ रही सर्च करो तो तुम्हारा चैनल नहीं आ रहा हू इज मोस्ट लॉयल एंड डिस बोल दे बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का मेरे चैनल बी यू पे और थैंक यू सो मच इतना इतना ज्यादा हमने वेट किया था बट फाइनली आ आज आ गए आप लोग लोग हाँ भाई, भाई। थैंक यू हमें हमें बुलाने के लिए हमें वैसे ज्यादा बुलाते नहीं है <laughs> आज, आज <laughs> <दादा तरे। laughs> पर आपने बुला लिया हम बड़े खुश हुए चलो हमें भी कोई याद करता है नहीं नहीं सीरियसली मैं शुभम भाई हाँ। से ऑलमोस्ट आई थिंक पंद्रह बीस दिन पहले से बात हो रही थी तीन हफ्ते हो गए होंगे फिर हमारे भाई वैसे आज तबियत खराब हो गई थी इसलिए नहीं आ पाए उस टाइम और आज भी तबियत खराब थी बट मैंने कहा यार भाई ये ना सोचे टाइम रहे हैं जेलविन ah.

क्या मतलब क्रिएटिविटी में कहाँ तक कभी जाने की वो है बिकॉज अभी पॉडकास्ट भी आपने स्टार्ट कर दिया है भाई अभी तो क्रिएटिव साइड हमारी इंस्टाग्राम पे झलक रही है तो ऐसा लग रहा है जो सात साल पहले वाला दौर था ना जहाँ ज़्यादा लोड नहीं लेते थे इन्जॉय करते थे और कॉन्टेंट बन जाता था तो अभी वो फेज़ में हम क्योंकि एक तरह एक तरीके से YouTube के लिए हम सॉर्टेड है कि चलो पॉडकास्ट आ रहा है वीकली तो वो तो आ ही रहा है बाकी जो अपनी कॉमेडी है वो हम Instagram पे थोड़ा फ़ोकस कर रहे हैं शॉर्ट कंटेंट पे

एक जो अपनी वो रहती है बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नेचुरल नेचुरल हाँ। जो हमने स्टार्ट किया था ना जिस कंटेंट से बनाना जो हमारा स्टाइल था सेम एज इट इज आज भी वही आ रहा है रील पे हाँ। पता नहीं आई थिंक मुझे लगता है पर्सनल कनेक्ट जहाँ पे आप हो जाते हो ना अपनी ऑडियंस है व्यूवर्स के साथ में तो मुझे लगता है वो चीज ना ग्रो करती है है ये तो हाँ है और रील पे हम ना कुछ हाँ। भी ऐसे ही कर देते हैं ऑन द स्पॉट कुछ हमारे पास कुछ माइंड में हमने बोल दिया और हमें लगता है कि भाई ये नहीं चलेगी और लोगों को उसी उसी पॉइंट पे हिट कर जाती है वो लोग उसी के डायलॉग्स रिपीट करने लग जाते हैं ऐसा बहुत होता है हमारे साथ बट अगर लाइक like, कॉन्टेंट की बात करें तो रील्स क्या एक कंज्यूमेबल कॉन्टेंट है भाई, भाई रील्स तो हमेशा रहेगा रील्स इन शॉर्ट कंटेंट की बात कर रहे हैं मतलब बीट शॉर्ट रील या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म पे शॉर्ट कंटेंट रहेगा सात साल पहले भी आप था, है और रहेगा हाँ। सात रहे साल रहे पहले भी था आज भी है और आज तो और ज्यादा बढ़ चुका है तो आगे और भी बढ़ेगा बट उसको मैं क्या बोलूँ वो एक लर्निंग दे रहा है या जस्ट स्क्रोलिंग भाई वो के आप क्या देख रहे हो आप किस पर्पज से खोल रहे हो अब उसपे सब कुछ अवेलेबल है और उस पे ज्ञान भी है

ली ओरिजिनल करा है उन्होंने हम्म ओरिजिनल गाना थी थी नहीं, नहीं। करके भी करियर बनाया मतलब थे उनके एक्सप्रेशन थे उनकी क्रिएटिविटी थी <laughs> बट बेस ओरिजिनल नहीं था मतलब गाने के बीट पे मतलब चलो ठीक है ओरिजिनल कह सकते हैं जो उन्होंने दिमाग लगाया उसको भी पर ये है कि मतलब चीजें ना शॉर्ट में हमेशा चलती आई हैं और आप उसे यह नहीं कह सकते कि यह चीज यार मतलब एंड वो बढ़िया कर गए शॉर्ट कंटेंट से अगर वो अभी भी देखो तो बहुत लोग बड़ा कंटेंट नहीं बना रहे हो तो चलेगा तुम्हारे यहां सोचो की तुम्हें बड़, लंबा ही बनाना है मीडियम <laughs> बनाना है छोटा ही बनाओगे तो चलेगा तो ये मतलब अभी लोंगर टेन्यूर में जाएगा मेरे हिसाब से ये कहीं नहीं जाएगा आप खैबी को ही देख लो वो क्या करता है सीधा उसने अपना एक्सप्रेशन दिया और ऐसे घट से उसकी हर वीडियो वायरल होती है ग्लोबल right. वो स्टार तो डायलॉग भी नहीं बोलता वो तो इसीलिए ग्लोबल स्टार तो है कोई लैंग्वेज नहीं है कोई लैंग्वेज नहीं है लैंग्वेज नहीं है इंडिया में लोग उसे फॉलो करते हैं और आप ये देखो ना उसके पास भाई जो आज की डेट में ये स्किल रखता है अपने अंदर उसको कोई लोड नहीं है मेरे को प्रोडक्शन कैसी करनी है मेरे को लोकेशन क्या लेनी है मेरे को डायलॉग क्या लिखना है वो उसको बस अपना नेचुरल एक स्किल है वो यूज करनी है एक्सप्रेशन की या दिमाग लगा लिया आइडिया की बस और ये फैक्टर तो आज भी है कि आप गाड़ी में खड़े हो या पार्क में खड़े हो कुछ भी बना दो और चल जाता है वो जरूरी नहीं है कि आपने बहुत बट हाँ आपको कुछ यूनिक होना है ना कि हर एक बंदा कर रहा है राइट यू हैव टू है आप में अगर कुछ भी टैलेंट है ना तो इंडिया में और अगर मैं बात करूं कंपटीशन की बिकॉज <coughs> आपने जब जर्नी अपनी शुरू करी थी और आज की जर्नी का तो बिल्कुल ही एकदम लेवल ही अलग हो गया तो कंपटीशन के बारे में क्या थोड़ा आपका भाई कंपटीशन जनरली बताऊँ एज सच किसी को मानते नहीं है ये चीज़ भी गलत है किसी को कॉम्पिटिशन मान के चलना तो तुम अपना काम नहीं कर पाओगे वैसे तो इन जनरल बहुत लोग आ गए हैं बनाने वाले कि लोग बना रहे हैं और लोग देख रहे हैं एक दूसरे को ये ऐसा बना रहे हैं तो मैं कैसा बनाऊं बल्कि वो सही चीज़ है कि अगर तुम अपना ही कंटेंट इम्प्रूव कर रहे हो पर उसको देख ये, ये के उसकी तरह मैं उस मैं उससे अच्छा अपना क्या बेस्ट दे सकता हूँ <coughs> तो स्विच आया पहले हम लोग भी यूट्यूब देखते थे एक दूसरे की देखते थे अब अब हम अपनी जैसे वीडियोज ही नहीं देखते भी like नहीं। हम भी वही कंज्यूम करते हैं जिसका हवा बन रहा है और हम भी बाकियों की तरह फोन में स्क्रॉल करते रहते हैं क्या चल रहा है मार्केट पर हमारा थोड़ा देखने का वो होता है कि अगर हम हम कोई मूवी देख रहे हैं तो इसको अगर हम और बेटर वे में इम्प्रोवाइज करके ऑडियंस को दे सके या बना पाए अपने आइडिया के थ्रू या कुछ इंस्पायर हुए उससे तो वो हम ट्राई करते हैं कि वो भी कर पाए okay. बट देखो वैसे लाइक कॉमेडी वीडियोज़ की बात करें तो वो तो एक ऐसा कंटेंट है वो हमेशा चलना ही चलना हाँ। हर एक आदमी ना आज की डेट में इतना स्ट्रेस में उसको कहीं ना कहीं टाइम फोड़ना अपना बिल्कुल कि भाई मेरे को ऐसा क्या चाहिए इवन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो आपको बहुत टाइम से देख रहा हूँ ऑलमोस्ट चार पाँच साल से फॉलो कर रहा हूँ मैं तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आती है अच्छा मेरे को एक चीज़ और पूछनी है जब आपने क्रिएट अपना कॉन्टेंट क्रिएट स्टार्ट किया था ठीक है तब से और अब तक में क्या क्या डिफरेंस है बिकॉज पहले तो क्या था कि आप

फिल्म लेकर आ रहे हैं लोग तो हम लोग भी रहा है कि हम कर दिया। लेकिन कंटेंट में कुछ भी नहीं करने वाली चीज वो नहीं करेंगे चेंज ना, पहले क्या था? आप कुछ भी बना दो बट अब ऐसा अब जितने भी कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैसेज थ्रू कर रहे हैं अपने एपिसोड या अपनी वीडियो के थ्रू क्या उसमें क्या आपको लगता है कि मतलब ऐसा हो रहा है ना अगर आपको सरवाइव करना है अब आप जैसे कह रहे हो आप चार पाँच साल से हमें देख रहे हो अगर हम एक ही चीज़ करते रहे तो आप शायद एक साल देखोगे फिर नहीं देखोगे और right. अब आप दोबारा अगर हमें देख रहे हो तो क्यों देख रहे हो क्योंकि हम पॉडकास्ट लेकर आए कुछ अलग आ गया चलो ये देखते हैं क्या अलग लाए तो अगर आप कुछ अलग ही नहीं करोगे तो आपको फिर क्यों देखेंगे लोग तो हर क्रिएटर ना एक एक्सक्यूज़ ढूंढता है कि मैं लोगों को क्यों देखे लोग मुझे एक वाई होना चाहिए तो जैसे स्वैगर से हमने पॉडकास्ट करा तो उससे हमने सीखा कि सुंदर एक हाइजीनिक फिल्म बनाने में मेरा इंटरेस्ट है कि भाई फ्रेम सुंदर लगे वो सब कुछ अच्छा अच्छा लगे कास्ट अच्छी लगे तो हर कोई एक रीज़न देता है अपने अपने ऑडियंस को तो वही टाइम के साथ सब लोग सीख रहे हैं कि कोई क्रिएटर सोचेगा कि मैं एक सोशल मैसेज दे दूँ कोई क्रिएटर सोचेगा कि मैं कॉमेडी के साथ एक हॉरर फील दे दू मतलब समझ रहे हो आप तो वो करना जरूरी है तभी वो सर्वाइव कर बट ये ऐसा नहीं हो जाएगा जैसे आज बॉलीवुड है ठीक है तो कहीं ना कहीं यूट्यूब बॉलीवुड में तो नहीं कन्वर्ट हो जाएगा भाई हो बॉलीवुड की तो क्या कहते हैं कहते है, हम तो फिल्म ला रहे भाई हम वीडियो नहीं हाँ। ला रहे हम फिल्म ला रहे और वो बॉलीवुड में आप देखोगे तो स्क्रिप्ट्स भी अच्छी नहीं आ रही है मतलब वही है वही है सबसे ज्यादा अच्छा कंटेंट तुम्हें यूट्यूब पे मिल रहा है देखने को राइट

भाई प्रॉब्लम हुई थी इनिशियली हम लोग भी बहुत कंफ्यूज थे कि मेन चैनल पे करें या एक नया चैनल खोलें या क्या करें बट अल्टीमेटली ये था अगर आपको अच्छे गेस्ट चाहिए तो आप मतलब जैसे अगर आप हर्ष बेनीवाल को ला रहे हो या एलवेश यादव को ला रहे हो और नए चैनल पे ला रहे हो जो बिल्कुल आपको नहीं पता व्यूअरशिप आएगी नहीं आएगी है ना तो हमें ये मेक करना था अगर हम किसी पे को लैब कर, है, रियल इट पे कर है, और ऑडियंस कहीं ना कहीं सिमिलर है तो हम थोड़े कॉन्फिडेंट थे कि अगर इस पे हम डालेंगे तो ऑडियंस को देखने में मजा आएगा कि उसके फेवरेट यूट्यूबर्स क्या बात कर रहे है आपस में और आर्टिस्ट को भी देखते हैं वो नंबर्स की जो दूसरा चैनल है जो बुला रहे उसके बिल्कुल, नंबर्स हैं या नहीं हाँ। जाने लायक है या नहीं है चैनल तो देखते हैं हर चीज देखो तो तो नंबर्स और व्यूज तो सबको चाहिए बाकी है है किसी है। का पर्सनल कनेक्शन है तुम आ, स्टार्ट कर लो जीरो से वो आ जाएगा बंदा अगर तुम्हारे ज्यादा अच्छे कनेक्शन वरना तो ओवरऑल तो देखेंगे ही देखिए प्लस अभी भी कमेंट आ जाते हैं कि भाई बंद कर दो ये पॉडकास्टर तुम वही करो जो करते हो या तुम क्यों घुस गए इसमें या ये इसमें मज़ा नहीं आ रहा पर वही है भाई जितने मुंह उतनी बातें आप कितनों की सुनोगे भाई एग्जैक्टली exactly. हमको सात साल हो गए हैं कहने को ऑडियंस भी हमें कहती है चलो अपनी तारीफ करने वाली बात तो ये कि ओ जी क्रिएटर्स हैं लेकिन जेनुनली बताओ ना हम लोगों को भी सर्वाइव करने के लिए लगी है हमारी बहुत फटी है जेनुनली

पहले अगर मैंने आपकी जैसे सारी वीडियोस रिव्यू की है ठीक है तो मुझे लगा कि इम्प्रूवमेंट दिख रहा है कहीं ना कहीं यूट्यूब तो ग्रो कर ही रहा है और यूट्यूब भी इंप्रूव हो रहा है पहले क्या था यूट्यूब पे कुछ भी चलता था ठीक है लाइक लोग बाग तो फोन भी शूट करके डाल देते थे बट आज की डेट में यूट्यूब इंप्रूव हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसमें जो क्रिएटर्स है उनका भी कंटेंट इंप्रूव हो रहा है तो जो कंपटीशन वाली बात थी ना वो ये वाला मैं एग्जैक्टली डिस्कस करना चाहता भाई क्या होता है कि ये यूट्यूब ना एक बिजनेस है ठीक है आप चार तीन चार साल तो आर्टिस्ट रहते हो पर अब जब लेवल आ गया ये कि लोग आपके जो जो साथ के फेलोज थे जिनको आप एक कंपटीशन का टर्म दे रहे हो सपोज जिन्होंने साथ में शुरू करा था अब वो लगा रहे हैं वीडियो पे द, दस दस लाख रुपए मेहनत लगा रहे हैं तीन महीने में एक वीडियो आ रही है ठीक है गुड है वो दस लाख रुपए लगा रहे हैं पर वो ब्रांड से रिकवर भी कर रहे हैं उनके व्यूज़ भी आ रहे हैं और रिस्पॉन्स भी आ रहा है अब आप अगर सोचो कि यार मैं लगा दूँ दस लाख मैं भी कुछ तगड़ा बनाऊँ बट कहीं ना कहीं सात साल की जर्नी में आपने देख लिया कि भाई मेरे ना उतने व्यूज़ कभी स्टार्टिंग से नहीं आए क्योंकि प्रॉबली आप एक टेक्निकल ग्लिच कह लो रियल शेट नाम था जब हमारा उस हाँ। वजह से कह लो या किसी भी वजह से हमारा यूट्यूब हमें लगता है कुछ टेक्निकल टेक्निकली

और आप अगर करोगे वो चीज़ तो आप लॉस में जाओगे क्योंकि भाई ये एक बिजनेस है हमारा घर चलता है इस चीज़ राइट right. तो हमें कहीं ना कहीं उस चीज में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा कि आ, लेंथ वीडियो की छोटी रखनी पड़ी स्केचेस या लोकेशन ऐसी लेनी पड़ी जिसमें ज्यादा बजट ना लगे प्लस एक रेगुलरिटी भी मेंटेन करनी थी कि आप ये नहीं कि सारा कुछ एक ही में लगा दो और फिर खाली हो जाओ हाँ। फिर अगली बनाने के लिए ढूंढो, क्योंकि बहुत यूट्यूबर्स के साथ ये हुई है फाइनेंशियल <coughs> तो तो भी था भी था था तो वो उसमें ब्रांड से हमने उसमें थी ब्रांड डील तो उसमें हमने जितना मतलब कोई हमें वो नहीं मिल रहा था प्रॉफिट में आप सस्टेन नहीं कर सकते आप कंपटीशन कंपटीशन पे फोकस कर दो ना कहने हाँ का तो मतलब है अगर हम घर से अच्छे नहीं होते ना तो ये नहीं चल पाता सही हाँ। बता रहा हूं मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था कि हमारा हाँ। बिजनेस जीरो पे आ गया था रियल हिट को अगर आप देखो तो बिजनेस जीरो पे आ गया था और भाई तरस गए थे ब्रांड डील के लिए हाँ मतलब कि और हम आपस में बात करते थे कि भाई क्या करें ऐसा क्या बनाएं जो ऑडियंस को हिट हो या मतलब यूट्यूब भी रेकमेंड करे और आज तक मैं आपको बता रहा हूँ आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि हमारी वीडियो खुद से यूट्यूब ने रेकमेंड करिए या फिर मतलब कुछ कुछ नहीं आ रही हाँ। और भाई तुम्हारी में नहीं सर्च करो तो तुम्हारा चैनल नहीं आ रहा कुछ ना कुछ ना ये चीज रही है तो और हमें तो लोग भी मिलते थे बोलते थे भाई तुमने यार पहले आती थी तुम्हारी वीडियोस बहुत देखते थे अब क्यों नहीं डाल रहे और ये होता था कि हमने कल ही वीडियो डाली है और हमसे बोलते भी थे कहते है यार हमें तो दिखती नहीं आपकी वीडियोज कब से नहीं दिखी भाई आठ नौ महीने हो गए हमने कहा भाई ये कैसे हो सकता है ये सब सुनने को भी मिला है हमको पता मैं आ, कल 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 नहीं परसों की बात है जब आपने मेरे को टाइम कन्फर्म किया तो आ, होता है ना कि थोड़ा बहुत रिसर्च हाँ, करना होता है तो मैं यूट्यूब को थोड़ा स्टडी कर रहा था ये मेरी ओपिनियन है मे बी मैं गलत भी हो सकता हूँ मैंने एक चीज नोटिस करी है कि यूट्यूब ने जो पुराने कंटेंट क्रिएटर्स थे ठीक है वो कहीं ना कहीं अभी स्लो डाउन हो गए हैं और जो भी नया कंटेंट आ रहा है ठीक है विद अ मैसेज यूट्यूब भी उनको पुश कर रहा है करेक्ट मी फैम रोम भाई ये हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हमारा हमने कोई नया चैनल ऐसा सच बनाया नहीं है जिसपे हम रिस्पॉन्स चेक कर पाए बट हाँ क्रिएटर्स बहुत सारे लॉकडाउन में गेमर्स व्लॉगर्स इन सब सब लोगों ने बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए और सब ऐसे ग्रो कर रहे भाई हमें सात साल लगे थ्री पॉइंट सिक्स मिलियन पहुंचने में लोग सात महीनों में चार चार पांच पांच मिलियन गेमर्स तो एक एक महीने में ती, तीन, तीन, तीन तीन मिलियन करके बिल्कुल गए। तो वही है भाई आ, कुछ कह नहीं सकते इस बारे में जिस, ये है कि जिसका अच्छा है

तो भाई वही कॉम्पिटिशन वाली बात में आपके आंसर कर रहा था कि कॉम्पिटिशन में ना आप एक हद तक ही कम्पीट कर सकते हो और स्मार्ट मूव वही है जब आप देख लो कि चीजें अगर आप, आप अपने लिए देखो क्या प्रॉफिटेबल है कहाँ तक मैं जा सकता हूँ कहाँ तक नहीं जा सकता अगर आपको अपनी बाउंड्रीज नहीं पता और आपको ये है ना कि मैं बस उससे अच्छा कर लू उससे अच्छा कर लूँ तो आप कहीं नहीं रहोगे कहीं के नहीं तो रहोगे यह तो, बेहतर ये आप जो कर रहे हो उसमें अच्छा उसमें अच्छा करो और टाइम के साथ स्विच कर जाओ अगर आपको दिख रहा है ना कि भाई चार लोग इस तरफ जा रहे हैं ये रास्ता थोड़ा लंबा है पर मैं पहुंच जाऊंगा मंजिल पे तो ले लो आप अगर आपकी गाड़ी उतनी तेज नहीं है जितना आप सीधा सीधा जा पाओगे आप ले लो कोई बात नहीं भाई मतलब ढीट बनने वाली आ, बात नहीं चलेगी अगर तुम ढीट हो ना कि मुझे करना है इसने कर लिया मैं भी कर लूँगा तो नहीं चलेगा तो नहीं ये चले। पॉडकास्ट का भी आंसर मैं कर देता हूँ मेन चैनल पे हम इसलिए लेकर आए की भाई ले, ले लेते हैं एक स्टेप ना ले लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है इसमें क्योंकि हमारे चैनल के साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि आपको रेगुलर रहना पड़ेगा आप तीन महीने का गैप नहीं दे सकते वरना हमारा चैनल डेड हो जाता है तो पॉडकास्ट एक रेगुलर सोर्स ऑफ कंटेंट है अच्छा कंटेंट है वैल्यू ऐड कर रहा है और स्केचेस हम रोक नहीं रहे जब भी लाएंगे अच्छा लाएंगे तो फिर विन विन सिचुएशन है करो मतलब सस्टेन करने के लिए और मेनटेन करने के लिए तुम्हें डिसीजन मेकिंग अच्छी करनी पड़ेगी राइट right, राइट right. अभी आप समस्त एक, एक चीज़ मेरे को बोली कि एक टाइम ऐसा आ गया था एक टाइम फ्रेम ऐसा आ गया था कि आप सोचने पे मजबूर हो गए कि अब क्या करें ठीक है सो उस समय पे मैं पूछना चाहूंगा कि एल्गोरिदम समझी थी या क्या <coughs> डिसीजन लिया था कि क्या ऐसा करें कि भाई था? देखो वो टाइम ऐसा था कि आ, <coughs> उस टाइम से पहले हम लोगों ने अच्छा खासा पैसा बना लिया था hmm. कैश फ्लो अच्छा हो गया था महीने का तो ये हो गया था कि चलो यूट्यूब तो हमारा फुल टाइम करियर बन चुका है लेकिन जब वो वाला जोन आया ना फिर हम

कि भाई अगर ब्रांड से से अमाउंट आ रहा है उसमें उतना ही लगाओ जितना जरूरी है बाकी बचाओ भाई अब मतलब लगा लो अगर हम और कुछ काम नहीं कर रहे होते ना साथ मतलब अगर कुछ और काम कर रहे होते तो सही रहता क्या? कि चलो हमारा साइड बिजनेस चल रहा है प्राइमरी इनकम वहाँ से भी आ रही है यहाँ से भी आ रही है हम कर ही रहे थे सिर्फ और सिर्फ तो अभी कुछ प्लानिंग करते हो शूट जब करते हो तो सारी अभी अभी कैसे माइंड मेकअप करते हो चीजों को आई जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड योर प्लानिंग अब ना हमने डाइवर्सिफाई कर दिया मतलब uh, uh, टचवोर्ड हम इस वे में काफी लकी रहे कि भगवान ने कहीं ना कहीं से कोई सोर्स निकाल दी हमारे लिए कि अगर एक तरह के तरह तरफ से दरवाजा बंद हुआ है तो दूसरा खोला है दूसरा बंद हुआ तो मतलब अकल दिला देते हैं हैं जैसे कहते हैं ना कि ये तुम्हारे साथ इसलिए हुआ कि तुम्हें अकल आ जाए पहली चीज हमने सो, ये आ, सीखी कि भाई एक इनकम पे कभी डिपेंड मत दिपेंड करो मल्टीपल सोर्सेज होने चाहिए आपके पास एक प्लेटफॉर्म पे कभी डिपेंड मत करो कि यूट्यूब है तो यूट्यूब ही है डाइवर्सिफाई करो इंस्टाग्राम पे आओ यूट्यूब शॉर्ट्स करो क्योंकि कल को तुम्हें क्या पता फेस प्लेटफॉर्म बंद हो रहा है कोई भी प्लेटफॉर्म बंद हो जाता है और ब्रांड्स पे भी कभी डिपेंड मत करो प्लेटफॉर्म सेंट्रिक इनकम जैसे यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म सेंट्रिक इनकम देता है आपको कि जितना आप कॉन्टेंट डालोगे उतना आप निकाल पाओगे तो उस पर थोड़ा फोकस करो कि भाई कोई एक कंटेंट ऐसा बना दो जो रेगुलर जा रहा है ताकि आपकी इनकम बन रही है क्योंकि अगर आप ब्रांड्स का वेट करते रह गए ना कि एक ही बार में ब्रांड आएगा और मैं मोटा पैसा उठाऊंगा तो ऐसा नहीं होता भाई क्योंकि क्रिएटर्स बहुत सारे सार मतलब ये हमको टाइम कि कि से समझ कि प्लेटफॉर्म पैसा कैसे निकालना है YouTube YouTube से Facebook Facebook कि कि आप, फेस्वुक आप से. इतने फ्लेक्सिबल हो जाओ कि उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आप रेगुलर कंटेंट अब व्लॉगर्स है जैसे ये अगर इनके पास ब्रांड ना भी आए तो ये बहुत अच्छा रिवेन्यू जनरेट कर लेते हैं क्योंकि ये रोज डाल रहे हैं एक वीडियो समझ रहे हो आप तो ये चीज सीखी टाइम से तो अब भाई हमने डाइवर्सिफाई कर लिया थोड़ा अपने आप को कई जगह कंटेंट ऐसा प्रोड्यूस हो रहा है जिसमें हम नहीं होते जैसे हमारी फेसबुक वीडियोज है फेसबुक पेज है तो उस पर हमें थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ा कि भाई चल हमारा फेस नहीं जा रहा पर कॉन्टेंट रेगुलर रोज जा रहा है फेसबुक ने भी तो भी फेसबुक है हाँ, YouTube से अच्छा रिटर्न दे रहा है है, है, है है वो वो थोड़ा कि अनस्टेबल कभी कम आती तो आप, डिपे, आप डिपेंड नहीं हो सकते बट एक सोर्स बना सकते हो जो व्लॉगिंग वाली बात आपने करी आई थिंक कोविड का इसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट था बिल्कुल घरों में बंद थी वो पैंडमिक सिचुएशन थी बहुत ही बेकार जो कर रहे हैं घर में कर रहे है वो नहीं चल रहा व्यूअरशिप गिरी ब्रांड ने पैसा देना बंद कर दिया यूट्यूब का रिवेन्यू तो बना ही नहीं क्यूकी व्यूअरशिप कम थी और तब हम क्या करते थे कॉपी क्लेम लग गया तो सोचते थे कोई बात नहीं इस पे लग गया तो क्या हुआ कंटेंट खराब नहीं करेंगे अगली पे करेंगे बट अब हमने सीखा कि नहीं भाई अगर इस वीडियो से 500 डॉलर भी बन रहे तीस हजार भी बन रहे कम नहीं है कम तो नहीं क्लेम है। मत आने दो पहले हम अवॉइड करते थे पहले हम सोचते थे छोड़ना फिल्म का गाना अच्छा, अच्छा लग रहा है क्लेम आएगा देख लेंगे ऑडियंस को हमारे साथ साथ ऐसी बात नहीं है तो वो चीज है भाई अभी तो तो हम बात कर रहे थे रिस्क की तो कहीं ना कहीं youtube में रिस्क तो ये लगा ही रहता है यू नेवर नो कि कब चीजें इधर-उधर हो जाए बट अगर मैं वैसे तीनों से पूछूं कि अगर youtube में एक डाउनफॉल आया उस समय पे माइंड सोचा था कि यार ये चीज कर लेते या अगर ये पूछूं कि youtube नहीं करते तो क्या करते कुछ ऐसी बात कभी कुछ माइंड भाई मैंने आपको बताया ना youtube से हमने पैसा बना लिया था वो एक सैटिस्फैक्शन और वो भरोसा हो गया था कि ये तो हम कर यही करेंगे तो यही करेंगे विजन अच्छा। देख लिया विजन देख लिया था और हमारा इंटरेस्ट भी था भाई सच बताऊं आपको तो कि एक्टिंग एक्टिंग हमें ना मज़ा आता है करने में इंटरेस्ट है भाई कि अपनी क्रिएटिव साइड दिखाओ तीन साल हमने ऐसा जिए कि भाई जिंदगी जी रहे हैं बढ़िया कोई टाइम नहीं है ऑफिस जाने का कोई टाइम नहीं है वापस आने का दोस्तों के साथ काम चल रहा है मजा आ रहा है कोई हुक्म देने वाला नहीं है हम लोगों से काम करवाते हैं और बढ़िया चल रहा है तो पैसा भी आ रहा है तो वो देख लिया था तो जब डाउनफॉल आया ना तो हमें बेस्ट साइड तो हमने देख ली थी तो हमें पता था कि यहाँ तक दोबारा पहुंचा जा सकता मतलब अगर वो चीज़ नहीं देखी होती ना तो फिर हाँ। हो सकता हमने क्विट कर दिया होता है कुछ और कर रहे होते हैं पर जब आपने एक चीज एक बार वो कहते हैं ना शेर के मुंह पे खून लग गया लग गया तो वो ही वाली बात है कि भाई जब आपने देख लिया कि स्कोप क्या है और कहाँ तक का है क्योंकि हमारा इंटरेक्शन हमेशा अपने फेलो क्रिएटर्स के साथ यूट्यूबर्स के साथ रहा था तो सुनने में ऐसा आता है कि फलाने ने इतने लाख की ब्रांड डील कर ली उसने आज ये कर रहा है आज उसका यहाँ ऑडिशन है तो हमें पता था स्कोप कितना वाइड है इसमें तो हमें बस ये था थोड़ा सा ये टफ टाइम है और ये आया भी इसी वजह से है कोविड की वजह से तो जब सब ठीक होगा सब ठीक होगा

भगवान कोई ना कोई निकाल देता है।, तो फिर फेसबुक के बारे में पता चला कुछ लोगों से मिले जिन्होंने बताया अच्छा ये भी एक दुनिया है इसे एक्सप्लोर करो वो एक्सप्लोर करी रिटर्न अच्छा है उस पैसे को कहीं और लगाया फिर वहाँ मतलब ये आने वाला ट्रेंड है चलो इसको मतलब कुछ ना कुछ और और भी प्लेटफॉर्म आगे भी आएंगे जैसे शेयर चैट है वो भी पे कर रहे है ओके हाँ तो मतलब काफी लोग काफी लोग काफी चीजें आ रही हैं नई और नए ऑप्शंस आ रहे हैं अर्न करने के तो ऐसा नहीं है कि एक ही डिपेंडेंट रहो कि YouTube YouTube है तो की की ऐसी तैसी करो नहीं हाँ। भाई और और चीजें चीजें भी भी देखो हाँ। देखो हाँ। अच्छा मैं आप तीनों से ना मेरे एक चैनल का एजेंडा होता है कि कुछ ना कुछ ऐसी आपकी जब लाइफ जर्नी डिस्कस होती है तो कुछ कुछ एक ऐसा मैसेज ऑडियंस तक जाए अभी आपने एक चीज बोली थी ब्रांड डील पैसा बहुत आ गया तो माइंड बना हुआ था लेकिन इस चीज से लोग बाग ना इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि वो सारी चीजें छोड़ के ना इसी में घुस जाते हैं तो मैं चाहूंगा एक ऑडियंस को ना इस चीज में एक मैसेज देना कि इफ समबड़ी वांट्स टू डू इट कि यूट्यूब करना है तो वो क्या और कैसे स्टार्ट करे भाई अः पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि यूट्यूब किसी से किसी को देख कर या किसी को influence होकर तो शुरू करना ही नहीं चाहिए hmm. और ये नहीं होना चाहिए कि मैं यूट्यूब शुरू कर रहा हूँ या सोशल मीडिया आपका माइंड में ये होना चाहिए कि मेरे अंदर ये स्किल है मैं इसे एक्सप्रेस करना चाहता हूँ और ये इस प्लेटफॉर्म के थ्रू करना चाहता हूँ और वो सिर्फ यूट्यूब कभी नहीं होना चाहिए वो वो प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर ऑडियंस है इंस्टाग्राम पर ऑडियंस है करो फेसबुक पर ऑडियंस है करो अपने आप को अगर आप अपनी स्किल एक्सप्रेस कर रहे हो ना और आपके पास वो स्किल है तो आप बहुत अच्छा करोगे उसमें आपका ना मोटिव होना चाहिए मतलब लोगों को क्या दे रहे हो आप सोसाइटी का दे रहे हो हमारा था कि भाई हमें लोगों को हसाना है और हमें जेनुअनली हम ना लोगों को हमारे जो दो दोस्त आ रहे हैं हम हंसी मजाक हमेशा से करते आ रहे हैं तो हमें किसी को हंसाने में बहुत मजा आता है तो हमने सोचा यूट्यूब पे भी लोग हंसाते हैं अपनी दिखाते हैं क्रिएटिविटी तो हमने वही फॉलो करा और हमने ये कभी सोचा ही नहीं था कि यूट्यूब करेंगे मोनेटाइजेशन होगी पैसा आएगा लाएगी। ये तो हम आज तक अब भी, अब, भी जाके थोड़ा बिजनेस माइंड हो जाता है इंसान का एक टाइम के बाद जाके पर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप ये माइंड में आपके चीजें होनी नहीं चाहिए ब्रांड तो आप देखो ही मत पहले आप ये देखो आप बना के बनाना क्या चाहते हो उसको करना भी चाहते हो आप या नहीं राइट राइट मतलब वाय होना चाहिए है। जैसे शुभम कह रहे हैं कि जो तुम्हारे स्किल है उस पर तुम अगर भरोसा कि तुम वो दिखाकर कुछ कर लोगे तो अच्छी बात है हमारे साथ भी वही हुआ था हमें एक्टिंग का इतना चस्का था मतलब अभी भी है कैसे, कैसे, कैसे मतलब उसका है? उसको ना यार सही टर्म दिया जाए तो उसका टर्म होगा बकचोदी हाँ। नहीं मुझे इस चीज में इतना मजा आ रहा था इतना मजा आ रहा था करते करते और तुम उससे पैसा भी मिल रहा है पैसा मिलेगा इसलिए नहीं कर रहे थे ये करने में मजा आ रहा था फिर पैसा मिलने लग गया था बाद में ऐसा हो गया था तो ऑडियंस को फिर वही वाली चीज़ है कि यार तुम वही चीज करो जिसको तुम्हारा मन लगता है जो तुम्हारा एक पैशन और स्किल है और भाई पॉडकास्ट शुरू करने का रीजन भी ना ये नहीं है कि ये ट्रेंड में है या इससे पैसा आएगा या यहाँ व्यूअरशिप है पॉडकास्ट शुरू करने का मतलब करने को हम कुछ और भी कर सकते थे कॉन्टेंट में ही पर पॉडकास्ट क्यों क्योंकि हम भाई बातें करना हमें अच्छा लगता है और अगर आप हमारे साथ बैठे हो मतलब कभी भी कोई भी गेस्ट आता है ना कहता है यार तुम्हारी वाइब ना बहुत फ्रेंडली हाँ, है ऐसा लग तो तुमसे पहली बार मिले तो हमें लगा यार इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है अब लगा लो पॉडकास्ट के थ्रू हम इंडिया के बिगेस्ट बिजनेस से मिल रहे हैं यंगस्टर से मिल रहे हैं उनसे सीख रहे हैं एक दिमाग खुल रहा है तो समझ रहे हो हमारी भी ग्रोथ हो रही है साथ साथ तो हमें ये काम करने में मजा आ रहा है इसलिए कर रहे हैं इसलिए नहीं कि ये चीज चल रही है तो कर लो अब कभी इंटेंशन नहीं होना चाहिए अब वही वाली बात है कि हम बड़े बिजनेसमैन से मिलेंगे इसलिए पॉडकास्ट का शुरू नहीं होता हम हनी सिंह से मिलेंगे इसलिए शुरू नहीं हुआ था आ,

उसमें आप कनेक्ट कर पाओ ना ऑडियंस के साथ इतने लोग हैं जो अपनी ना कैमरे के आगे फेक साइड रखते हैं खुद वो, तो है। वो मजा नहीं वो आता ना पता। हमारा वो है ही नहीं अंदर से हम हम तो भाई जैसे कैमरा नाइन्टी परसेंट यूट्यूब फेक है वो होना भी पड़ता है भाई शहर के नाम नहीं लेंगे लेकिन है <laughs> आ, नाम नहीं ले सकते पर तादाद काफी ज्यादा है काफी ज्यादा अब, अब इसमें ये उनका स्मार्ट मूव है अ हाँ। स्मार्ट मूव काउंट हो जाता है मतलब वो वो दिखाना चाहते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता टाइम तक ऐसा है।, बट एक है कुछ और है। <coughs> तो भी पकड़ लेते हैं टाइम, का। टाइम, टाइम लगे है। लगेगा लेकिन वो लोग ना मतलब जनता भी उन्हें पहचान लेगी परख लेगी और व्यूअरशिप गिरेगी उनकी भी है बहुत सारे ऐसे वही वाली बात नाम नहीं लेना बट दिखता है उतर जाएंगे टाइम से बहुत प्यार से वैसे पैसे की बात हो रही थी तो कहते हैं ना कि पैसा किसी ग्रुप में डाल दो तो वहां पे वो बड़ा, लड़ाई करवा देता है हाँ। बट कभी आपके बीच ऐसा कभी तीनों के बीच हुआ है भाई पैसे को लेकर कभी, ले कर, नहीं कभी, कभी नहीं नहीं आज तक नहीं हुआ भाई पैसों को लेके पैसा हमारा मोटिव ही नहीं है हाँ। भाई।, भाई पैसा मतलब ये है कि जो आता है थी मैं बेसिकली ना आप तीनों की अंडरस्टैंडिंग समझना चाहता हूँ क्योंकि पूरे यूट्यूब के ऊपर ना ठीक है मैं काफी रिव्यू कर चुका हूँ मैं पहले सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी नहीं था ठीक है मतलब मेरे को चलानी भी नहीं आती थी अभी मेरे को चलानी मेरे दयाल दयाल ने मेरी पहली फोटो डाली थी के ऊपर इंस्टा पे हाँ, हाँ, तब आई थिंक दो हजार या बीस में डाली थी तो मैं अंडरस्टैंडिंग जानना चाह रहा हूँ आपकी कि उस समय पे क्या थॉट प्रोसेस रहता है लाइक पैसा होता है पै ना कि कहीं भी कुछ वो हो जाता है पैसे का बताता हूँ हम तीनों बचपन के दोस्त हैं ठीक है हम तीनों पैसा बना रहे हैं अगर मैं मान लो मैं कुछ फ्रॉड करता हूँ पैसे का ठीक है

दोस्ती के बीच में पैसा कभी आना ही नहीं चाहिए हाँ। और ना हम कभी आने देते जो आता है तीनों में बटता है बराबर और जहाँ हम कभी ट्रिप पे जाते हैं मौज लेने जाते हैं वहाँ खर्चा ही हम मतलब जैसे सपोज एक ब्रांड डील करी हमें ट्रिप पे जाना है तो हम डिसाइड कर लेते हैं भाई ये पैसा ना उसका है तो वहाँ पे ये नहीं होगा तू अपना शेयर दे मैं अपना शेयर दू सारा खर्चा हाँ। हमारा कंपनी से, से होगा कि यहाँ से कमाया है यहीं से मौज लेंगे और हमें करनी भी तो एक साथ ही है शादी की क्या प्लानिंग चल रही है किस किस की है तीनों की

भाई आप शादी के बाद शुरू करा है मुझे तो रहा है यार मेरी शादी जल्दी होगी ना <laughs> अच्छा <laughs> क्या पता लेट होती तो करते <laughs> भाई का ना कुछ रूटीन नहीं होता बेसिकली जो मन करा कर लिया जो टाइम नहीं है बारह बारह बजे तक शूट चल रहे हम तो भाई डिसिप्लिन है हो गए हैं मतलब भाई मतलब अगर आप डिसिप्लिन की बात करो ना बहुत से लोग हैं जिनको पसंद है रात में काम करना ठीक है अब आप उसको ये कह दो कि वो डिसिप्लिन से काम नहीं कर रहा लेकिन वो रात में काम करके भी तगड़ा कर रहा है ना जो तो, सक्सेसफुल है ना भाई वो डिसिप्लिन तो है।, है, भाई मेजरली तो आप वो काम करना है ना अब आप नौ बजे कैसे रात को कर रहे हो या दिन में कर रहे हो काम कर रहे हो वो ज्यादा मैटर करता है कहते हैं

क्योंकि एक ना एक पॉइंट आता है कि कि लगता है कि यार अब क्या करूं अच्छा ये हो गया इसके आगे कैसे जाऊं मतलब है। चलेगा हाँ, हाँ। इसमें भी ना दो चीजें होती है पहला तो कि आप सक्सेसफुल हो बिकॉज सक्सेस कभी रुकती नहीं है सक्सेस इज इम्प्रूविंग या सक्सेस इन ग्रोइंग आपको कंटिन्यू रखना एक होता सेल्फ सेटिस्फेक्शन की आज आप सेटिस्फाई हो एटलीस्ट भाई वो कर तो नहीं भाई कैसे होंगे भाई 27 साल की उम्र है नहीं भाई, भाई, साथ 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 तो नहीं भाई। है। कुछ करा नहीं कुछ अभी मतलब खुद के लिए कोई एसेट भी नहीं बनाई हाँ। समझ रहे हो आपकी यार हमने ना एक वो बना ली अब कुछ करने की जरूरत नहीं है बैठ के खाना है अब तो शौकी बहुत सारे काम है भाई करने जैसे मान लो ये स्पोर्ट्समैन होते हैं जो एक अच्छा करियर के बाद रिटायर होते कि चल प्लेड अब मुझे, अब मुझे तो, कर तो सात साल का करियर क्या करियर होता है तो अभी तो हम कहेंगे कि वी आर नॉट सक्सेसफुल येट ये वी आर सक्सेसफुल बट ग्रोइंग ग्रोइंग सो ये जो क्वेश्चन अभी मैंने आपसे पूछने हैं ये हमारे व्यूअर्स आपकी जो ऑडियंस है ये उन्हीं के क्वेश्चन है जो मैं आपसे भी पूछने जा रहा हूँ इनकम को लेकर ना कम से कम दस लोगों ने सवाल करे है, गेमर भी है रविंदर भी है हाँ। कामरेड भी है अभिषेक भी है तो इनकम के बारे में आई थिंक जनता ज्यादा जानना चाह रही है बताओ इनकम तो मैं आपको सच बताऊ तो कुछ है ही नहीं जीरो है इनकम <laughs> आकार रही है <laughs> इनकम और वैसे भी बहुत इसलिए भी कम हो जाती है तीन है तो हाँ। बट भी जाती है <laughs> इनकम देखा जाए वैसे ज्यादा है लेकिन जब अपनी ऊपर आती तो लग जाती है तो और, और ये भी होता है भाई जैसे हम बात कर रहे थे ना जैसे फेसबुक पे भी हम काम करते हैं पर उसकी किसी महीने इनकम नहीं आई या दो तीन महीने नहीं आई यूट्यूब है कोई वीडियो डाली क्लेम लग गया ये लो डॉलर आजकल इतने हो रहे हैं तो कुल मिला के बहुत कम कुल हो रहा है मिला के घर से ही चल रहा है मतलब अगर फेसबुक की रुक भी जाए तो ऐसा नहीं है आने बिल्कुल ही एकदम डाउन समझा नहीं ऐसा नहीं है मतलब बिना रो, रोटी तो है घी नहीं है उसपे अभी <laughs> <laughs> अंकित यादव जी का सवाल है कि भाई आप लोगों की शादी कब होगी अरे, अरे शादी भाई हो, हो ही जाएगी अगले साल के एंड तक हाँ, मेरी तो मेरा टाइम है मेरा भी दो, दो, साल दो साल के अंदर अंदर हो जाएगी शादी आप छह तो महीने में दो महीने के अंदर होनी चाहिए कायदे से जैसा हिसाब चल रहा है

ओके okay, कामरेड पूछता है भाई कि सब्सक्राइबर क्यों स्टक हो गए आपके अभी बढ़ क्यों नहीं रहे भाई इस बारे तो में तो आई गेस हमने पॉडकास्ट में बीस पच्चीस मिनट तक पूरी अच्छा, बात करी ही है करी है ओके okay. हाँ कि मतलब कंटेंट हम ने कॉम्प्रोमाइज करा क्या कहते हैं कम कर दी अच्छा, मतलब हाई बजट वीडियोज़ नहीं बनाई कह सकते हो आप बीच में हमने शॉर्ट्स डाल दिए थे चैनल पे जिस पे बहुत अच्छा रिस्पांस है मतलब आप ये मानोगे हमारी वीडियो जो बड़ी वीडियो थी दस मिलियन भी नहीं गई थी हमारे शॉर्ट्स पैंतालीस पचपन मिलियन पहुँचे हुए हैं उस वजह से एल्गोरिदम में भी हो सकता है डिस्टर्ब हो गया हो कि भाई अब शॉर्ट्स डालने लगे हम रेगुलर बड़ी वीडियोज़ कम कर दी

सिर्फ जिनके लॉयल फ़ैन बेस है हर्ष स्वैगर उनकी वीडियो आती है तो लोगों को लगता है चल दो महीने में वीडियो आई है इस बार क्या लाया है इस क्यूरियोसिटी से लोग देखते हैं जो उनका कल्ट है अदरवाइज बहुत सारे बनाने वाले थे जो स्क्रिप्टेड बनाते थे ऑलमोस्ट सभी गायब ही हो गए मतलब मुझे लास्ट सवाल है मुकुद का आपकी फैमिली आज कैसे सपोर्ट करती है और पहले कैसे सपोर्ट करती है वोट इधर डिफरेंस आज सिनेरियो में एंड जो पास्ट आप पास्ट आपका था भाई पहले की सपोर्ट की बात की जाए तो स्टार्टिंग में तो नहीं था जैसे हर किसी के साथ होता है कि तू तो क्या कर रहा है ये कैमरे पे हरकतें गाली देना ये सब हरकत और अब का ये हो गया है कि घर वाले काफ़ी सपोर्टिव हो गए हैं क्योंकि इससे थोड़ा बिज़नेस आने लग गया था मतलब बेसिकली घर ही हम चला रहे हैं हमारा तो घर वालों को ये रहता है कि चल और मेहनत कर अब पॉडकास्ट में कौन आ रहा है अगला स्केच कौन सा बना रहा है ब्रांड से कितना मिला इस बार तो वो इन्वॉल्वमेंट घर वालों की ज़्यादा हो गई प्लस कोई ऐसा काम अटकता है तो कोई सोर्स वो जानते हैं कि अच्छा यहाँ चले जाओ या मतलब इन में वे में भी हेल्प कर सपोर्ट पूरा रहता है स्टार्टिंग में भी सपोर्ट था मतलब मेरे डैड ने थिएटर वगैरह भी करवाया था तो उनको था कि भाई अगर तेरा इंटरेस्ट है तो तू कर ले पर जब एज अ करियर चुना तो उनको था थोड़ा भाई देख ले जाने या नहीं जाना बट फिर पैसे दिखे तो वो भी मान ही गए लास्ट सवाल एक गेमर का था कि अपने आप को पाँच साल बाद कहाँ देखते हो भाई हम तो पांच महीने बाद कहा देखते नहीं सोच पाते <laughs> भाई हम ना एक्चुअली कल परसों आपस में भी ये बात कर रहे थे कि यार अभी कोई शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल नहीं है विजन ड्रिवन नहीं है हम लोग अभी हम लोग बस सर्वाइवल देखते हैं मंथली चीजें देखते हैं इतना पैसा बन जाए या ये आ जाए वो आ जाए एक लॉन्ग टर्म गोल सेट नहीं है हमारा कि तो वो चेंज हो रहा था गलत बात है होना चाहिए कि तुम्हारा एम मुझे मुझे अचीव करना है पाँच साल तक प्लस आ, ये ना चेंज भी <laughs> हुआ कि जब हम एक्टिंग एक्टिंग करते थे बहुत ज्यादा तो ये था कि चल कोई वेब सीरीज क्रैक करेंगे या कुछ करेंगे पर रास्ते चेंज हुए तरीके चेंज हुए मॉडिफिकेशन हमने हाँ हाँ देख लिया कि अब एक्टर एक्टर इतना वो नहीं है आप अपने प्लेटफॉर्म पे हाँ। भी कर सकते हो तो अभी हमें वो थोड़ा फिगर आउट करना है कि लॉन्ग टर्म गोल क्या दीरे दीरे है शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन स्टेबल बिजनेस मैन हम ऐसे हाँ। होंगे जो अपने मन का काम कर रहे होंगे और हमारा पैसा पैसा बना रहा होगा साइड इनकम जनरेट हो रही है मतलब मल्टीपल चीजें होंगी रियल हिट रियल हिट एक ऐसा ब्रांड होगा जो तीन फेसेस तो है ही साइड बाई साइड उस प्रोडक्शन हाउस में और कॉन्टेंट भी प्रोड्यूस हो रहा है जो अलग प्लेटफॉर्म्स पे डल रहा है उसकी एक मर्चेंडाइज भी है मतलब उसके मल्टीपल ब्रांचेस होंगे बट ऐसा विजन है

तो तुम तो पास ऑप्शन है भाई तो ने हाँ। दिल जीज लिया क्या बात बोली है? हाँ। अब आता है बड़ा ही खतरनाक राउंड रैपिड फायर राउंड हाँ। तो... खतरनाक होता है <laughs> क्या 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 पूछ, पूछ लेते हो इसमें होंगी जो आपको, आपको आंसर करनी पड़ेंगे तो चलो पहला रैपिड फायर है अच्छा इसमें तीनों मिक्स है ठीक है ऐसा नहीं है तुरंत ही एक सेकंड के अंदर सोच मोस्ट बुल दे. <laughs> 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 देख आजकल दे, देखते हो ना वाई फाई पे बड़े उल्टे सीधे नाम तो ऐसा कभी कोई हुआ है कोई ऐसा क्रेजी मोमेंट ये क्या वाई फाई का वाई फाई ना? नाम नहीं वाईफाई पा, का पासवर्ड था कि पासवर्ड नहीं बताऊंगा पासवर्ड नहीं <laughs> और एक था एक वाईफाई का नाम जो मुझे याद है कि खुद का चला ले ऐसा अच्छा। कुछ था कि अच्छा खुद का चला ले ओके okay. <laughs> <laughs> दूसरे का क्यों <किस> <laughs> तो सर्च कर अच्छा एक मिनट गौतम इसको होल्ड करियो कोई नहीं वो तो चलता रहे कभी एक दूसरे ने किसी को रेड हैंडेड पकड़ा है क्या करते, करते हुए कुछ भी करते हुए <laughs> नहीं भाई नहीं हम हमें पता कर रहता है, है कौन की? क्या कर रहा है तो पकड़ने की जरूरत <laughs> <मिल्णी होती। laughs> <रहे> <laughs> नहीं है लास्ट क्वेश्चन कभी कोई ऐसा वियर्ड प्लेस जहाँ पे मेकआउट किया हो किसके साथ किया वो नहीं बट भाई वियर्ड प्लेस मैं तो देखो बहुत फट्टू किसम का रहा हूँ तो मैं कोई वियर्ड प्लेस एक्सप्लोर नहीं करता ज्यादा भाई आई गेस बालकनी कह सकते हैं बालकनी भी हैर्ड नहीं तो है मतलब तो 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 वो मोस्ट वीयरड इसलिए मैंने बालकनी कार ये सब तो नॉर्मल जगह हो गई ना सेम भाई ऐसा कुछ नहीं हैड <laughs> भाई एक्चुअली क्या होता था ना हम बहुत यंग एज में थोड़े नोन हो गए थे 20 22 साल की उम्र से हम कर रहे हैं काम तो हमारी तब से फटकने लग गई थी कि भाई ये लोग पहचान रहे हैं या वो घूर रहा है मतलब कई बार ऐसा हो जाता था कि जैसे हम

<laughs> <laughs> दे दो चलो दे दो चलो दिल खोल दो अपना हाँ दिल खोल दो भाई भाई अपना पैशन फॉलो करो जो आपको अच्छा लगता है वो करो ये मत देखो कि दूसरे का देख के आप कुछ कर रहे हो जो आपको अच्छा लगता है आ, म्यूजिक में एक्टिंग में किसी भी चीज में या पढ़ाई में भी उस चीज को फॉलो करो किसी और को देख के आ, मत हो और मैं एक चीज़ आर्डन करना चाहूँगा कि कभी अपने फैमिली मॉम डैड के अगेंस्ट जाके मत करो उन्हें समझाओ समझाओ बहुत समझाओ एंड तक समझाओ तुम्हारी बात पक्का और रिजल्ट भी दिखाओ हो सके ना, तो ना, करके ना और तीसरी चीज मैं ये कहूंगा कि ज्यादा मत सोचो मतलब डीप मत घुसो आजकल का यूथ ना ये पॉडकास्ट और इस ये चीजें देख के ना स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी भाई याद है फ्री फ्री होल्ड नहीं रह पा रहे लोग यार वो वो ना बहुत ज्यादा वो एक तरीके से अच्छा भी है चलो पॉजिटिव थिंकिंग है पर उस पर ज्यादा लोड मत लो अपने ऊपर कि भाई वो थोड़ी तो भी हाँ। देती मतलब लोग उसको ना नेगेटिव वे में इस वे में ले जाते और इसने कितनी सही बात कर दी मैं कितना हाँ। अबे नहीं भाई ऐसा नहीं है अगर वो अच्छी बात कर रहा है ना तो उसे अच्छे वे में लो आप भी अच्छे हो हाँ। आप भटक रहे हैं जस्ट टू साउंड और लुक गुड इसमें घुस रहे वो तो उसी को पता है ना आप भी बहुत मौज लो बस मेरा मौज लो किंग समझो भाई आप किंग हो सो हाउ डू यू फील कैसा लग रहा है मतलब चीजें डिस्कस करके मैं कर मैं कर तो, कर तो बहुत मजा आया बढ़िया लग रहा है भाई। अगर भी हम ये चीज ना करते होते <laughs> तो शायद मैं कुछ अलग कहता पर हाँ मजा आया हाँ, जेनुअनली फिर है। क्या कहते हैं हम ऑन द रिसीविंग एंड होते हैं ना यूजुअली हम आपकी जगह होते हैं अपने पॉडकास्ट में तो आज हमने अपना दिल खोला है तो मजा ही आ रहा अगर कैमरा नहीं होता तो पैग वैग चल जाते वैसा भी बना एक काम करते हैं ऐसे कुछ करते जो जैसा पॉडकास्ट लाते हैं स्पॉन्सर लाते हैं ना भाई हम ही कर लेंगे हमको क्या जरूरत है स्पॉन्सर की पैसा आता क्या बुरा है भाई पैसा बोल रहा है तेल का खर्चा जरूरी है <laughs> <laughs> सही बात है तो अब लास्ट में मेरे बारे में कुछ भाई सभी लोग जो ये चैनल देख रहे हैं और यहाँ तक वीडियो के आए हैं सब्सक्राइब बटन अभी हिट करो ठीक है और भाई को प्यार दो एंड भाई बहुत भाई बढ़िया है जेनविन आदमी है बिल्कुल और ज्ञानी आदमी है।, है मतलब कुछ लोग <laughs> तो होते हैं लाइफ में कुछ उखाड़ा नहीं और फिर भी बस बातें कर रहे हैं पर भाई वर्किंग है फैमिली भी मैनेज कर रहे हैं अपना काम भी मैनेज भाई बहुत कर रहे मैने बहुत, बहुत भाई का ऑफिस है वो भी चल रहा है साइड बाय साइड तो आप देख रहे हो एक काम कम्पोज आदमी जब पॉडकास्ट करता है तो आपको कुछ फ्रूटफुल ही देगा बाकी सब लाइव और इंस्टाग्राम हैंडल भाई का फॉलो करो बिल्कुल जाओ तो बहुत बहुत शुक्रिया फिर से आपका फिर कैसा रहा सेशन ये बताओ बाकी पॉडकास्ट से मतलब... कंपेयर करें तो देखो बाकी मेरे जो पॉडकास्ट होते हैं ना बहुत सिंपल बहुत प्लेन फॉर्मेट होते हैं मैं डीप डिस्कशन मतलब कि किसी टॉपिक में नहीं जाना नहीं जर्नी जब किसी की आप शेयर करते हो ना जैसे आप ऑलरेडी इतने टाइम से सोशल मीडिया पे हो आप अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो ऑडियंस को जो आज का यूथ है वो कहीं ना कहीं भटक जाता है लेकिन मुझे लगता है जब आप लोग ऐसे बैठते हो और चीज़ें बताते हो अपनी लाइफ जर्नी का एक्सपीरियंस शेयर करते हो तो कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर चीज़ें लगेगी और वो उस चीज़ से कितना समझ पाएगी कितना नहीं बट कहीं ना कहीं ये उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन करेगा

ग्यारह में से तीसरे नंबर क्या बात दूसरा कौन दूसरा अज्जू का चलो हाँ। बढ़िया क्योंकि अज्जू भी ना बिल्कुल हमारी तरह देसी है ठीक हाँ। है और जो मुंह में जो मतलब दिल दिमाग मैंने हाँ। वही जुबान पे है हाँ। कोई बनावटी नहीं है ऐसी ऐसे ही होना चाहिए ऐसे बहुत कम लोग हैं लोग भटक चुके हैं भाई, भाई। <laughs> सही है सही है ऐसे लोग मिलते रहने चाहिए भाई जो दिल के साफ और कभी मुझे ही बुला लेना पॉडकास्ट पे बिल्कुल तो भाई डेफिनेटली भाई डेफिनेटली 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 तो चलो भाई वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर देना कमेंट कर देना आपको कुछ एडवाइस या कुछ सजेशन देना हो तो वो भी बता देना बाकी तो बाकी तो मौज बी यू सब्सक्राइब बी यू मौज लो मौज लो ये है कैडी चीज है चलो बाय बाय